मैं आ सकत करने पहुंचे यहाँ। देखिए, हम सबसे पहले बधाई देंगे रोटी बैंक के ट्रस्टी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर हाउजा, मनोज गुप्ता, राजीव गुप्ता, हमारे बड़े भाई रघुवरदार गुप्ता जी, सोनी जी, अप्पू सेठ, जितिन जाहूजा जी और जो साथी हैं सबको, कि इन्होंने ऐसा काम चलाया है जिसकी ज़रूरत थी इस शहर में। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि शहर में रोटी बैंक के द्वारा ऐसे काम भी किए जाएंगे। जब इसकी शुरुआत हुई थी बहुत छोटे स्तर से हुई थी, लेकिन रघुवरदास गुप्ता जी, डॉक्टर आहूजा और रघुवरदास गुप्ता के सपुत्र मनोज गुप्ता, राजीव गुप्ता, दोनों लोगों ने, उनके साथियों ने मिलकर के लॉकडाउन में वो काम किया कि शायद कोई कर नहीं सकता, और उनका अनुसरण लेके अब बहुत से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसका अनुसरण भी लोग करने लगते हैं। तो ये ऐसा पुनीत कार्य हुआ है, इसकी शहर में ज़रूरत भी थी और हर कोई कर भी नहीं सकता था। आज अगर देखा जाए तो जो रोटी बैंक है बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की थी, आज वो कितने बड़े स्तर पहुंची है। देखिए, अब तो कोई इसकी सीमा नहीं है। लॉकडाउन में हजारों लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करा, हजारों लोगों को दाल, आटा, नमक, मिर्च, सब्जी मुहैया कराई थी, आप सबने देखा है। और रोटी बैंक के ही द्वारा शायद कोई आदमी भूखा सोया, मैं समझता हूँ शहर में आसपास कोई आदमी लॉकडाउन के समय में इस रोटी बैंक की वजह से कोई भूखा नहीं सोया होगा। अब